बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है, हम सबके आदरणीय और लाडले मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे आदरणीय 24 घंटे दुख-सुख के साथी चौधरी आनंद सिंह डांगी जी और हमारी बहन विनेश फोगाट जो कि इस देश की लाडली है। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे हमारी बहन के साथ गलत हुआ वहां पे, लेकिन पूरे देश ने इस बहन को सराखों पर बिठा लिया, तो पूरे देश का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और सारे मेरे सरपंच साहेबान, सभी लाखनवादरा ब्लॉक के सारे सरपंच साहेबान, मैं आप सबको, आप सब की तरफ से हमारे लाडले भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का लाखनवादरा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपका, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी उदय भान जी का और चौधरी आनंद सिंह डांगी जी का, और खास तौर पर सबसे ज्यादा मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने इस भाई पर भरोसा जताकर इस मैं मलके का प्रतिनिधित्व बनाया, पार्टी के जो टिकट दी है उसके लिए प्रत्याशी जो बनाया है, उस बात के लिए मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई को ये विश्वास दिलाते हैं हम सारे नौजवान मिलकर कि आने वाली जब 5 तारीख की पोलिंग होगी उसमें आप देखोगे भाई साहब, सबसे ज्यादा पोलिंग मैं मलके की होगी। आप पीछे लोकसभा में भी आप लोगों ने इतनी जबरदस्त पोलिंग की थी कि हमारे पूरे रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं मलका नंबर 1 पर आया था। और उसी हिसाब से सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। यहाँ से भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं मलके के, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को 53,300 वोटों से यहाँ से जो आपने लीड दी थी इकट्ठे, इतना जबरदस्त सारा ने वो किया था, उस बात के लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का इलेक्शन है, उसमें आपने अपने अपने बेटे अपने भाई बलराम के लिए जो पिछले 2 महीने से जिस हिसाब से जी तोड़ हंगा ला रखा है भाई, उस बात के लिए मैं आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ये विश्वास दिलाते हैं कि भाई जो आपने अपने भाई पर विश्वास दिलाया है, विश्वास दिखाया है, उस बात के लिए मैं भाई का जिंदगी भर भाई का हनुमान बन के काम करूंगा, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए। और जब आप देखोगे 8 तारीख को जब काउंटिंग आएगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और उसके बाद हम दोनों भाई, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और मैं, जो आपके आशीर्वाद से विधानसभा में आप लोग भेजने जा रहे हो, ये हाजिरी की इस बात का प्रतीक है कि आने वाले जो इलेक्शन है उसमें भाई के बिल्कुल नजदीक ही मैं आपको भाई साहब इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि 50,000 वोटों से विधानसभा में आपका ये भाई आपके लिए वहां पर पूरी मेहनत करेगा। और उसके बाद जो हमारे पिछले 10 साल से जो हमारे मैं मलके में समस्याएं मुंह बाई बाट देखे हैं, उनको इतना बुरा हाल हो गया पिछले 10 साल में, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पहले 10 साल के राज में इस हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पर लाकर जो खड़ा किया था वो सारा सत्यानाश करके धर दिया। तो मैं आप लोगों से ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जो आगे हमारे जो साल हैं उनमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें एक एक समस्या का समाधान करके हम करेंगे। और मेरे लाखनवादरा गांव में भाई साहब सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, इस बात के लिए बिल्कुल पूरे मैं मलके में पीने के पानी की जो समस्याएं है भाई साहब, पीने के पानी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता, रोटियां बगैर काम चल जाए लेकिन पानी के बगैर नहीं चलेगा। और एक बात और आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं हम दोनों भाई, भाई कांग्रेस पार्टी का राज बना दो और भाई किसे की फसल पानी के बगैर सूखन नहीं जाएंगे और किसे की फसल पानी से डूबन नहीं जाएंगे, ये दोनों काम करके हम समाधान करके जाएंगे। और बच्चों को रोजगार की बात है, बढ़िया तरीके से सभी को रोजगार मिलेगा और विकास के काम होंगे। हमारे गलियों का बुरा हाल हो गया पिछले 10 साल में, इस हलके की कोई सुनने वाला नहीं है बीजेपी सरकार में। और मैं
ज्यादा लंबी बात ना करते हुए आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, ये 10 साल रह गए, 10 दिन रह गए, आज 25 तारीख होगी, 10 दिन रह गए, इन 10 दिनों में भाई सारे एक एक के पास हाथ जोड़कर हम जावा, हर एक को मनावा, और फिर आप देखोगे उसके बाद जिंदगी भर के लिए हम दोनों भाइयों ने, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं, जिंदगी भर दोनों भाइयों ने क्यों करे बरत लियो, आप लोगों ने साटा ठाण की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के बीच में आश्वासन है। तो मैं और ज्यादा लंबी बात ना करते हुए सभी से यही निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट आज के निशान का बटन दबाकर अपने भाइयों को कामयाब बनाए, एक एक वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में जाओगी, एक एक वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का हौसला बढ़ा होगी और आपके बेटे का हौसला बढ़ा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।